कश्मीर में कहीं नजर नहीं आ रहा है, भुपकार अलायंस मीटिंग पे मीटिंग, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश। वो उनकी मर्जी, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्या वो फेल नजर आ रही है सर? वो फेल है या कामयाब है मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, वो अवाम के हाथ में है, जो भी अवाम करेगी, अवाम का फैसला कतई फैसला होता है और हम उस आवामी फैसले के सामने सर झुकाएंगे। नजर आ रही है बार बार ये बोला जा रहा है कि आप बी टीम है, बीजेपी के पक्ष में बातें करते जो कहते हैं वो दोनों ए टीम है, वो दोनों हुकूमत में मंत्री और चीफ मिनिस्टर है, मैंने मंत्री रहा हूँ, ना एमपी रहा हूँ, ना एमएलए रहा हूँ उस टीम का, लिहाजा होशियार जेब कुतरा वो होता है जो जेब काटे और चुपचाप के और कहे ओ भाग गया, वो भाग गया, वो गया। इसलिए ए टीम जो कुछ टीम नहीं है उस पर इल्जाम लगाते, लेकिन वो जो खुद उनके चीफ मिनिस्टर मिनिस्ट्री में बीजेपी रहे, उनके चीफ मिनिस्टर दोनों बीजेपी की मदद से बने हैं, वो मुझको हमको क्या कहें, उनको कहने का क्या हक है? इसलिए वो अपने गिरेबा में झांक के देखें इससे पहले के दूसरों को इल्जाम। सर अभी आपने अपने तकरीर में कहा और पार्लियामेंट में बीजेपी के खिलाफ कौन बोलता था और कौन नहीं बोला, ये भी देखिए 5 साल। सर तकरीर में कहा आपने चाइना और पाकिस्तान का खतरा है, वो तो हमारे हिंदुस्तान के दुश्मन हमारे हैं, खतरा तो हमेशा है, आज ये कौन सी नई बात है? लेकिन अमित शाह जो है सिर्फ पीओके लेने की बात करते हैं, चाइना का तो कोई जिक्र भी नहीं अभी तक। वो जिक्र करें या नहीं करें लेकिन हमारे सर पर तो बैठा है ना। सर जब 370 जिक्र करना जरूरी नहीं है, सबको मालूम है। जब 370 मंसूखो उस टाइम आपने बोला था कि ये अनफॉर्चुनेट है, तो डीपीएपी सर कह रहा हूँ 370 को तोड़ना गलती थी मर्जी। क्या है जो आपने बोला था ये अनफॉर्चुनेट है? फॉर्चुनेट ये है जो थी 370। डीपीएपी इसके लिए क्या करेगी? हमको जो करना था पार्लियामेंट में किया और जो दूसरे लोग थे उन्होंने वहां भी कुछ नहीं किया। वोटर खतर वाला।